कैसा क्या है, वेलकम टू द फर्स्ट डे एट न्यूकी। और रात को जब आया था तब इतना ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला मुझे, बिकॉज बहुत अंधेरा था। बट अभी सुबह हुई है और मैं रह रहा हूँ शुभम भाई के साथ यहाँ पे। शुभम भाई जा रहे काम पे, उसके बाद मुझे भी निकलना है। बट यू कैन सी बहुत बहुत प्यारा, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ से पूरा समंदर दिखता है एंड पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से। बट आगे आगे बताएंगे ब्लॉग में और क्या है। मुझे नहीं पता कितना आवाज़ आ रहा है मेरा, बिकॉज बहुत हवा है यहाँ पे। बट इट्स क्लोज टू पैराडाइज, इट्स क्लोज टू सेरेनिटी। अभी जस्ट नीड टू वेट फॉर द व्यू, बिकॉज बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा देखा। लाइक मैनचेस्टर में था, मैनचेस्टर में यूजुअली इतना नहीं होता है, बट बहुत टाइम बाद ऐसे देखा और इतना अच्छा लग रहा है देख के, इतना प्यारा लग रहा है देख के। एंड आप लोग को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। So, in 3, 2, 1, look at it. It's so beautiful. बहुत प्यारा बीच लग रहा है, बहुत प्यारा। देखो वहाँ पे नीचे जा सकते हैं, बट मैं नीचे जा नहीं रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज आई एम नॉट इन माई राइट अटायर। बट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो लोग यहाँ पे सर्फिंग एंड ऑल भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइड, लो टाइड हाई टाइड जो भी है। बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा टाइम मैं बैठूंगा एंड थोड़ा वाइब्स लूंगा एंड उसके बाद जाएंगे घर पे वापस एंड देन आगे का प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। बट इट्स सो ब्यूटीफुल आउट हियर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा फीलिंग है। वेलकम टू द न्यू डे इन न्यूकी। और जैसे लास्ट क्लिप्स में आपने देखा था, मैं ज़्यादा घुमा नहीं, थोड़ा अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बट बहुत इन ऑल बहुत मज़ेदार जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत शांति है यहाँ पे, ज़्यादा लोग भी नहीं है, डॉग फ्रेंडली जगह है, बीचेस है। सो अगर मेरे को समंदर के करीब मिल गया तो मैं बहुत शांति से रहता हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे। एंड अभी हम लोग है फोर्ट स्ट्रीट कैफ़े में, जहाँ पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे, ब्रंच वंच करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे बीच। तो बने रहना इस ब्लॉग में। एंड वी हैव शुभम नाइक विद अस, जो थोड़े उदास है क्योंकि उनको खाना नहीं मिला है। तो जैसे खाना जाएगा उनके पेट से आवाज़ निकलेगी, फिर उसके बाद वो ब्लॉग में एनर्जी दिखाएंगे। बट हम पूरा एनर्जेटिक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये हौले हौले साजना शुरू कर दिया था शुभम भाई ने, बट व्हाटएवर इट इज, सब्सक्राइब टू द चैनल। न्यूकी में सब अच्छा है सिवाय ये चीज़ों के, बिकॉज जैसे पहाड़ पे चढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बट इट्स फन टू वॉक ऑन रोड्स लाइक दिस। आई जस्ट शॉट अ सेगमेंट ऑफ द वीडियो एंड व्लॉग में चीज़ लेनी थी। यहाँ से पूरा न्यूकी दिखता है, पूरा न्यूकी, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है यहाँ पे एंड बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। बट बहुत चढ़ना है एंड इसलिए मेरे साथ मेरा शुभम भाई है जो मेरे लिए वीडियो शूट कर रहा है। बिकॉज शुभम टेक्निकली नोज कि मेरे पे क्या सही जाता है, कौन सा एंगल सही है, कौन सी चीज़ें मेरे पे सही से मुझे चाहिए, जिस तरीके से वीडियो चाहिए। इतने सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अभी दिल भी टाइम्स के हम लोग एक डिकेड पूरा करेंगे साथ में। ठीक है, स्ट्रेट हूँ मैं, बट फैक्ट यही है, चल निकलना है, फैक्ट यही है। ये ब्लॉग में डालना है, शुभम इज कमिटेड, he's committed to his work, he's committed to his life, he's committed to serve his parents and milte hai agle location ki taraf. Finally I'm on the beach in UK at Newquay and itna pyara sa lag raha hai mujhe yahan pe, bahut zyada shanti mil rahi hai. I love the sound of the sea. Ye hum log kal wahan pe the, wahan pe upar baithe the, but aaj hum log beach ke paas hai and it's a surreal experience. बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो पूरा बीच है एंड इट्स बीचेस,
beaches do something to me. Beaches do something to me. And it feels really amazing to be here. पीछे फ्रेम में आप देख सकते हो शुभम नाइक खड़े हैं न्यूकी के हॉटेस्ट गाय इन टाउन एंड उसकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है. कैसा लग रहा है? बहुत बार आ चुका उन्हें अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. हाँ, तो ये बता अभी कैसा लग रहा है? बहुत बार आ चुका हूँ. मेरे साथ आके कैसा लग रहा है तुझे? एंड आज हम लोग थोड़ा अभी थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे एंड प्लान तो है आगे के वीडियोस देखना, जरूर देखना, क्योंकि हम लोग सर्फिंग करेंगे, गोल्फ खेलेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे, वाटर एक्टिविटीज करेंगे. एंड आप पीछे देख सकते हो ये पूरा समंदर की जो चद्दर आ रही है, सी वेव्स की पूरी चद्दर आ रही है, जो इतना प्यारा लगता है. मन करता है अभी के अभी पानी में जाके कूदूं, बट वो नहीं कर सकता. आगे के वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत फन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत कंटेंट बनाएंगे यहाँ पे. जस्ट आउट ऑफ द बीच, जस्ट आउट ऑफ द फिस्ट्रल बीच, और अच्छा कंटेंट शूट किया, अच्छा लगा मुझे. बहुत सारे वीडियोस लिए हैं मैंने, मॉन्टाज शॉट्स लिए हैं मैंने. एंड मेरे शूट की तकलीफ शुभम भाई के जूते खराब हो गए, पर ये गलती सिर्फ शुभम नाइक की है, क्योंकि मैंने उसको बोला था पानी में मत जा, बट स्टिल शुभम भाई को करना था, जाना था पानी में. हम लोग अभी हार्बर की तरफ है एंड ये पूरा हार्बर है यहाँ का. हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ से पूरा, बट इट्स सो ब्यूटिफुल टू स्टैंड एंड लुक एट बोट्स फ्रॉम हियर. एंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक और वीडियो शूट करके हम लोग चलेंगे रूम की तरफ, और शुभम भाई सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर बहुत अच्छे से शूट कर रहा है. एंड अभी चलते हैं नीचे. आज का थीम है वीडियो का टॉकिंग अबाउट पीपल, टॉकिंग अबाउट साइट्स, टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल गो थ्रू. एंड विद टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज किया कि हर एक इंसान का, इंक्लूडिंग मी, हैव अ ब्राइट साइड एंड अ डार्क साइड. तो बात करते हैं ब्राइट साइड के बारे में. जब कोई हम लोग रिश्ता शुरू करते हैं, जब कोई नया कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जब कोई नए इंसान को जानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और एनी अदर बॉन्ड्स, हम लोग जब ये जानने की कोशिश करते हैं तब इंसान का ब्राइट साइड हमारे सामने रहता है. ऐसा लगता है कि एक इंसान को और जानना है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम मोर, टॉक टू हिम मोर, उनमें हम लोग झांकने की कोशिश करते हैं एंड धीरे धीरे उनका ट्रू सेल्फ अनफोल्ड करते हैं, उनका ट्रू सेल्फ हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं विद कॉन्वर्सेशंस, व्हाइल कॉन्स्टेंटली पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर देम, व्हाइल कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स टू मेक देम हैप्पी. बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हाई टाइड्स शुरू हो जाती है. प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम लोग उनका सच्ची का पूरा साइड एक्सप्लोर करते हैं. प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हाई टाइड्स के साथ साथ उनका डार्क साइड बाहर आता है. एंड डार्क साइड जब इंसान का बाहर आ जाता है तब दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्राइट साइड में आपने एक्सप्लोर कर दिया, ब्राइट साइड में आपने कोशिश कर ली है कि उस इंसान के बारे में सारी चीजें जानो. बट जब उस इंसान का डार्क साइड बाहर आ जाता है तब उसका ट्रू सेल्फ अनफोल्ड होता है, उसके वल्नरेबिलिटीज, उसके एंजाइटीज, उसका वल्नरेबल साइड, उसका इनसिक्योरिटीज, सारी चीजें बाहर आना शुरू करते हैं. जब सारी चीजें बाहर आना शुरू हो जाती है तब वो ऐसे पोजिशन में आ जाता है जहाँ पे वो हेल्पलेस हो जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू रिलाई ऑन यू, ही वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन यू, एंड वो चाहता है कि वो अपना ट्रू सेल्फ सामने दिखाए आपके, ताकि आप उस पे, आप उसको संभालो, आप उस पे थोड़ा नर्चर करो, आप उसको कंपैशन, अफेक्शन और लव दो. और ये चक्कर में इंसानों को लगता है कि वो बहुत इरिटेटिंग हो गया, इसलिए इंसान दूर जाने की कोशिश करता है. जब डार्क साइड बाहर आते हैं तब कंपैशनेट रहो, तब काइंड रहो, बिकॉज एक इंसान को एक अपना डार्क साइड बाहर निकालने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है. तो जब आप छोड़ देते हो उस इंसान को वो टाइम पे, तब वो बहुत हेल्पलेस स्थिति पे आ जाता है. तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी के साथ रहते हो और उनका डार्क साइड बाहर आए, तो जस्ट स्टॉप देयर एंड थिंक, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई शी बिहेविंग लाइक दिस. सो ये सारी चीजें जब आप जानने की कोशिश करोगे तब आप असली तरीके से एक इंसान को जानोगे. और बाहर निकल के दूर चले जाना तो बहुत इजी हो जाता है. What needs strength, what requires strength is staying with that person, putting in efforts every day to fix it, to fix that person. And तब जाके आप एक true इंसान को explore करते हो. And एक short tip देना चाहता हूँ, मैं खुद को भी नहीं जानता इतना, आप अपने आप को भी नहीं जानते रहोगे, ना किसी को आप जानते रहोगे, कितना भी आप साल बिता लो उस इंसान के साथ, आप किसी को इतना नहीं जान पाओगे.
एक इंसान का ट्रू सेल्फ तभी ही बाहर निकलता है जब वो एक सिचुएशन में पुट इन होता है, एंड वो इंसान को भी नहीं पता होता कि वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है जो गौर गोपाल दास जी ने कहा था, मैंने जिंदगी इस तरह आसान कर दी, किसी को माफ कर लिया, किसी से माफी मांग ली। जिंदगी बहुत अनिश्चित है, इसलिए जो अधूरा काम है उसे पूरा करो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।